अहम खबर देंगे आपको ये मनाजर 92 न्यूज़ के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी लाहौर में पहुंच चुके हैं अपने पार्टी कारकुन अजीजुर रहमान चंद के घर में। आप ये बता दें कि अहम इजलास भी तलब किया गया है टिकट होल्डर्स का, जिनको टिकट दिए जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कर दिया गया है। आसिफ अली सरदारी आप देख सकते हैं, उनके ऊपर गुलपाशी की जा रही है, शानदार इस्तकबाल कारकुनों जालों की जानिब से उनका किया जा रहा है। आसिफ अली सरदारी की जानिब से इजलास भी तलब किया गया है, लाहौर में डेरा लगा लिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर सियासत में सरगर्म नजर आती है। अजीजुर रहमान चंद के हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा उनके घर पर पहुंचे हैं, जहां पर उनका शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। फहीम अमीन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। फहीम अमीन, आसिफ अली जरदारी पहुंच चुके हैं, शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। बिल्कुल जी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं पार्टी रहनुमा अजीजुर रहमान चंद की रहायशगाह पर। काफी बड़ी तादाद में कारकुन भी यहाँ पर मौजूद है और फूलों की पत्तियां नछावर करके उनका यहाँ पर इस्तकबाल किया गया। अब से कुछ देर में यहाँ पर आसिफ अली जरदारी की जो है वो दस्तारबंदी भी की जाएगी और वो यहाँ पर कारकुनों से भी खिताब करेंगे। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर आसिफ अली जरदारी की जाने से कारकुनों को अहम पैगाम भी दे दिया जाएगा और इस हवाले से काफी बड़ी तादाद में कारकुन जो है वो अजीजुर रहमान चंद की रहायशगाह में है और खूब नारेबाजी की जा रही है। जी अमीन, कौन कौन से और रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं? बिल्कुल जी, यहाँ पर चौधरी मंजूर जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उसके साथ साथ दिगर जो क्यादत है लाहौर की नवीद चौधरी और मकामी जो क्यादत है वो यहाँ पर मौजूद है और काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुन यहाँ पर पहुंचे हैं रिहायशगाह में उनकी। और देखने में नजर आ रहा है कि काफी कारकुनों की कोशिश जाने से कोशिश की जा रही है तो अपने रहनुमा की एक झलक देख सके, लेकिन यहाँ पर खवातीन कारकुन भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आप जिस तरफ तलावत इकलाम पाक का सिलसिला जारी है, जिसके बाद सिर्फ बराह रास्त जो है आसिफ अली जरदारी जो है वो कारकुनों से खिताब करेंगे। फहीम अमीन, टिकट होल्डर्स का इजलास भी यहां पर तलब किया गया है, टिकट होल्डर यहां पर मौजूद हैं, इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज है। जी बिल्कुल जी, यहाँ पर जो टिकट होल्डर्स हैं उनका इजलास तो यहाँ पर नहीं हो रहा, उनका इजलास जो है वो कल तलब किया गया है बिलावल हाउस में, जहाँ पर जितने भी टिकट होल्डर्स हैं उन्हें वहाँ पर तलब किया गया है और यह आइंदा इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली और टिकट्स की तकसीम के हवाले से जो तबादला ख्याल है वो कल यानी सोमवार के रोज जो है वो बिलावल हाउस में इजलास में होगा। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ पार्टी कारकुनों से खिताब करेंगे आसिफ अली जरदारी और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अजीजुर रहमान चंद और दिगर जो क्यादत है वो मुशावरत करेगी और अब से कुछ देर में यहाँ पर बिलावल जो आसिफ अली जरदारी है वो यहाँ पर खिताब करेंगे। जी फहीम अमीन, क्या कोई अहम खिताब होने जा रहा है? जी इस हवाले से ये देखने में नजर आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो काफी दिनों से लाहौर में मौजूद हैं और ये पहली जो पब्लिक एड्रेस है जो आसिफ अली जरदारी की जानिब से यहाँ पर किया जा रहा है। इससे कबल जो है वो उनका आवाम से कोई खिताब नहीं था, लेकिन ये जो एक रहायशगाह अहमद है अजीजुर रहमान चंद की, एक छोटे से जलसे में तकसीम हो चुकी है जहाँ पर लाहौर भर से जो है पार्टी कारकुन जो है वो यहाँ पर जमा हो चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी की जानिब से पार्टी कारकुनों को अहम पैगाम दिया जाएगा। जी फहीम अमीन, इस तकरीब में कौन सी अहम सरगर्मियां होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? बिल्कुल, ये एक तो फॉर्मल विजिट है अजीजुर रहमान चंद की रिहायशगाह पर आसिफ अली जरदारी की जानिब से, लेकिन अजीजुर रहमान चंद की जानिब से इस विजिट को ना अपने तक महदूद रखने की बजाय पूरी पार्टी क्यादत को यहाँ पर तलब किया है और यहाँ पर मौजूद भी हैं जिनमें चौधरी मंजूर भी हैं, इसके साथ साथ दीगर क्यादत भी यहाँ पर मौजूद है जो अब से कुछ देर में यहाँ पर आसिफ अली जरदारी जो है वो खिताब करने जा रहे हैं। कारकुनों को कहा जा रहा है वो अपने सीटों पर बैठ जाए ताकि आसिफ अली जरदारी जो है उनकी दस्तारबंदी की जाए और वो बराह रास्त जो है वो खिताब करें। फहीम अमीन, पीर एजाज भी इस मौके पर मौजूद हैं। बहुत शोर है, मैं आपकी आवाज नहीं सुन सका। फहीम अमीन, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा, हम अपने नाजरीन को अपडेट करते चले। रहनुमा पीपल्स पार्टी अजीजुर रहमान चंद की रिहायशगाह पर जहराने का एहतमाम किया गया है आसिफ अली जरदारी, जिसमें शरीक आसिफ अली जरदारी अजीजुर रहमान चंद की रिहायशगाह पर पहुंच चुके हैं। आसिफ अली जरदारी के साथ पीर एजाज भी इस तकरीब का हिस्सा है। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद यहां पर जमा हो चुकी है। इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया है। आसिफ अली जरदारी जहराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे और कारकुनों से खिताब भी करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सीनियर पार्टी रहनुमा रहमान चंद की रिहायशगाह पर पहुंचे हैं। कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद है और उनकी जानिब से शानदार इस्तकबाल आसिफ अली जरदारी का किया गया है। दस्तारबंदी की जाएगी, उन पर गुलपाशी भी की गई है। आसिफ अली जरदारी मीडिया से गुफ्तगू करने लगे हैं, कारकुनों से खिताब करने लगे हैं। सारे सारे जाता है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी तकरीब का हिस्सा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम जिए भुट्टो। दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, वो नारा ये है कि एक जरदारी सबसे यारी। मेरे दोस्तों, ये आज आपका वलवला, आपका जोश और मेरी बेटियों का जोश ये देख के मुझे पता लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आप अब दोबारा एक मुकाबले के लिए तैयार हैं। पिछली दफ़ा इनने हम पे हथकड़ियाँ लगाई हुई थी, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कोई हथकड़ी नहीं। मैं खुद मैदान में हूँ, बिलावल मैदान में है, मेरी आपकी बेटियाँ मैदान में हैं, हम सब साथ निकल के मैदान में मुकाबला करेंगे और इनको पता पड़ जाएगा कि इलेक्शन किसको कहते हैं। इलेक्शन का वक्त आने वाला है, उन दोस्तों को समझना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी शिकस्त नहीं खाई और पंजाब से कभी शिकस्त नहीं खाई, हमेशा आरओ इलेक्शन से ज़रूर हमने शिकस्त खाई है। आरओ इलेक्शन ज़रूर हुए हैं, पहले भी हुए थे, अब भी हो रहे हैं, उनको हमने मुकाबला करना है। हम सब पार्टियों से ये मैं एक डेलीगेशन भेजूंगा जो उनसे डायलॉग करेगा कि किस तरह हम साफ और शफाफ इलेक्शन करा सकें पूरे पाकिस्तान में और ख़ास करके शहर लाहौर में और पंजाब में, हम किस तरह साफ शफाफ इलेक्शन करा सकें। आप दोस्तों का मैंने वलवला देखा है, आप दोस्तों की कुर्बानियां मुझे याद हैं, मेरे साथ यहाँ शहीदों की बहनें मौजूद हैं, मैंने वो दिन देखे हैं जब बीबी आया करती थी और मैं उनके साथ आया करता था तो पूरा लाहौर बंद हो जाता था। इंशाल्लाह अब भी उसी तरह होगा, जब हम निकले तो पूरा लाहौर बंद होगा। तो आपका पुराना नारा है कि भुट्टो दे नारे वजन गे तो पेटू सारे नच गए भजन गे जे भुट्टो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली सरदारी कारकुनों से खिताब कर रहे थे। खिताब का आगाज जिए भुट्टो के नारे से किया। इस मौके पर कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी था। खिताब से पहले और खिताब के दौरान आसिफ अली सरदारी के हक में एक जरदारी सब पे भारी नारा बुलंद करते रहे कारकुन, जबकि आसिफ अली सरदारी ने इस मौके पर नारा लगाया एक जरदारी सबसे यारी। मुफाहमत की सियासत का जिक्र किया गया आसिफ अली सरदारी की जानिब से और खिताब करते हुए उनका यह कहना था, कारकुनों का जोश देखकर लगता है कि पार्टी मुकाबले के लिए तैयार है, इनको पता लग जाएगा कि इलेक्शन किसको कहते हैं। हम मैदान में हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी मैदान में है, पार्टी के जो कारकुन हैं ये भी मैदान में हैं।